तिवारी जी, छोड़िए मेरा हाथ। मैंने कहा हाथ छोड़िए। जी आप क्या कर रहे हैं तिवारी जी? साथ फेरे लेते समय जो वचन आपने हमें दिए थे वो भूल गए का? याद है ना? आपने हमें वचन दिया था कि सुख में दुख में सदा हमारे साथ रहेंगे, चाहे कछु भी हो जाए हमारे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। अपने जीवन साथी के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे, याद है ना? फेरे संपन्न हुए, अपने आसन पर बैठ जाएं। ईश्वर की कृपा से यह विवाह संपन्न हुआ। अब आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। God bless you. मासी, I love you. हमारी शादी आप ही की वजह से पॉसिबल हो पाई है। थैंक यू सो मच। आशीर्वाद दीजिए। बस बीना जी, बस। आज जो आपने गलती की है ना, उसके लिए मैं आपको जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। रेणुका बनकर आपने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, समझिए आप। अपना काम निकलवाने के लिए आपने जो तरीका इस्तेमाल किया ना मीरा जी, वो बहुत ही घटिया है। आपने अपने आप को मेरी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिरा दिया है। आपको मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको। समझ नहीं पा रहे मुकुंद जी कि मैंने ऐसा क्यों किया है, इसीलिए ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, आप आज नहीं तो कल जरूर समझ जाएंगे। पापा, we'll be right back.
अपनी असलियत? मुझे पता था तुम्हारे खून में ही धोखेबाजी है। करवा दी अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से, और तुम अभी भी कुछ कहना है तुम्हें अपने पापा जी के लिए? बड़ी अकड़ के साथ कह रही थी ना कि तुम्हारे पापा जी जुबान के बहुत पक्के हैं। देख ली उनकी हरकत, कैसे नए जोड़े को आशीर्वाद दे रहे हैं ये। आशीर्वाद? अरे नहीं देविका जी, जैसा आपको लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने वाकई बहुत कोशिश की लेकिन मैं रोक नहीं पाया। देखिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मर्द के जुबान की कीमत होती है, कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। देविका जी, पीडी पीडी ये आप क्या कर रही हैं? ये क्या कर रही हैं आप देविका जी? देविका जी ये आप मुझे क्या दे रही हैं? दीजिए इसको, आप मेरे हाथ से खून करवाना चाहती हैं क्या? स्टॉप इट यार मॉम, क्या कर रहे हो आप? रितिक स्टे अवे, तुम बीच में मत आना। ध्यान से देखो इस आदित्य तिवारी को, इसने तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में आग लगा दी, तुम्हारी खुशियों को जला के राख कर दिया। तुम्हें बार बार धोखा दिया, तुम्हारे आत्मसम्मान को हमेशा ठेस पहुंचाई। तुम्हारी बेटी जैसी बहू के साथ रिश्ता तोड़ दिया। यहां तक कि तुम्हारी बीवी को भी तुमसे छीन लिया। मुकुजी आप प्लीज इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, ये सब इनकी चाल है, ये आपको फंसा रही है, प्लीज इनकी बात मत सुनिए। मुकुंजी नहीं, प्लीज प्लीज आप ठंडे दिमाग से काम लीजिए, प्लीज अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। मुकुंजी मुकुंजी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप सुन रहे ना मेरी बात? मुकुंजी मुकुंजी प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। हट जाइए मीरा जी। पापा नहीं, पापा देखिए देखिए, हम ऐसे लोग नहीं ना, हम खून खराबा नहीं करते, आराम से बैठ के बात करते हैं। छोड़ दो मैं। मुकुंजी ये गन मुझे दे दीजिए प्लीज। प्लीज पापा। मुकुंजी मुकुंजी देखिए रुक जाइए, आप मुझसे गुस्सा है ना तो अपनी नाराजगी मुझ पे निकालिए। इनकी क्या गलती है? इनकी कोई गलती नहीं है, शादी मैंने कराई है ना, तो मुझे सजा दीजिए। मुकुंजी हटिए यहाँ से। आज नहीं छोड़ूंगा मैं इसको पापा। ये आप क्या कर रहे हैं? एक अनजान की बात सुनकर अपने बेटे के सर पे बंदूक तानने, ऐसा क्या गलत किया मैंने? ये सब गलत थी। ठीक है पापा, आई एम सॉरी, मैं सुधर जाऊंगा, मैं सही रास्ते में आ जाऊंगा, पर अपने सगे बेटे अपने खून को तो मत मान लीजिए। प्लीज पापा माफ कर दीजिए, प्लीज पापा, आपका एक लौता बेटा हूं पापा, ये मत करिए पापा, प्लीज प्लीज पापा माफ कर दीजिए। प्लीज मुकुंद जी, प्लीज आती को छोड़ दीजिए,
मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मैं आपके पैर पैर पड़ती हूँ, प्लीज मेरे आदि की जान बख्श दीजिए। प्लीज मुकुंद जी, देखिए वो बोल रहा है ना कि जैसा आप बोलोगे वैसा वो करेगा। हाँ हाँ, अभी तो ये सब करेगा, बाद में अपने रंग दिखाएगा। रेणुका के आगे भी ऐसे ही रोया होगा, और रेणुका बेचारी इसकी बातों में आ गई, तभी तो उसे अपनी जान से हाथ धोनी पड़ गई। बेटी बस करिए, चुप हो जाइए। मुकुजी मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा जिसके लिए आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। प्लीज मुकुजी ऐसा कुछ मत कीजिएगा। पापा, अभी मुकुजी, पापा प्लीज प्लीज ये मत कीजिए, प्लीज रुक जाइए, पापा होश में आइए, प्लीज आप सुन रहे हैं। प्लीज पापा ऐसा पाप मत कीजिए। मुकुजी ये क्या कर रहे हैं आप? पापा पापा रुक जाइए, पापा खबरदार अगर कोई बीच में आए तो। कुछ प्लीज प्लीज समझदारी से काम लीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिएगा प्लीज। नहीं मीरा जी, इस सारे फसाद की जड़ मैं हूं, कुछ नहीं कर पाया मैं अपनी जिंदगी में, कुछ भी नहीं, ना मैं अपनी पत्नी को बचा पाया, ना मैं नव्या को सुख दे पाया, इस जैसी औलाद को जन्म दिया मैंने, इस सजा का अगर कोई हकदार है तो वो सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। छोड़िए बाबा प्लीज मत कीजिए, मीरा जी मर जाने दीजिए मुझे। मुकुंद जी प्लीज, मीरा जी मैं कह रहा हूँ आपसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए गन।
मीरा जी कुछ नहीं और दूंगा मैं आपको, बस हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा, आंखें खुली रखिए। हॉस्पिटल में फोन करो, उन्हें बोला एम्बुलेंस भेजे जल्दी। मीरा जी संभालिए अपने आप को, हिम्मत रखिए, मीरा जी क्या किया तुमने? सच कह, कुछ नहीं होने दूंगा आपको मैं, मीरा जी अपनी आंखें खोल कर रखिए। मीरा जी नहीं। मीरा जी मीरा जी हिम्मत रखिए, देखिए मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको, आंखें खोलिए अपनी। मीरा जी नहीं। मीरा जी सच कह रहा हूँ मैं आपसे, मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगा, हमेशा आपकी बात मानूंगा। भगवान के लिए एक बार अपनी आंखें खोलिए मीरा जी, एक बार अपनी आंखें।